मनोज जारंगे ने छगन भुजबल पर आरोप लगाया है कि वे मराठा आरक्षण को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडनवीस और अजीत पवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं छगन भुजबल ने आरोप लगाया है कि सरकार मराठाओं को आरक्षण देने के लिए ओबीसी आरक्षण में पिछले दरवाजे से एंट्री करा रही है भुजबल अजीत पवार की एनसीपी का हिस्सा है भुजबल ने यह भी आरोप लगाया है कि मराठाओं को आरक्षण के लिए जो डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया था उसमें काफी खामियां हैं आपको बता दें जालना के अंतर वाली सराती गाँव में मीडिया से बात करते हुए जारंगे ने कहा कि वे कुछ नहीं समझते ये कानून है एक सरकार है और पढ़े लिखे लोगों की समिति पर काम कर रही है लेकिन भुजबल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे वह डिप्टी सीएम एम फडनवीस और अजीत पवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जारंगे ने कहा मुझे लगता है की भुजबल चाहते है की लोग भूख से मर जाए फिर चाहे वो मराठा हो या किसी अन्य जाति के पिछड़े वर्ग को समझना चाहिए कि भुजबल का साथ उनको नहीं देना चाहिए जारंगी ने दावा किया कि भुजबल तो दे दे। राज गर्मा गई है भुजबल ने कहा कि बर्खास्त करने की कोई जरूरत नहीं मैं अपना इस्तीफा मैं दे चुका हूं अब मैं अंत तक ओवीसी के लिए लड़ता रहूंगा उन्होंने कहा कि वे नवंबर में ही इस्तीफा दे चुके हैं भुजबल के इस्तीफे देने के दावे पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा उसमें कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है फडनवीस ने कहा कि सीएम सिंधे असली वजह बता पाएंगे वहीं भुजबल के इस्तीफा देने के दावे और फडनवीस के यह कहने पर इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तीखा तंज कसा है संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि भुजबल का इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है उप मुख्यमंत्री फडनवीस के पास नहीं उन्होंने कहा ऐसा बताया जा रहा है कि मनोज जारंगे द्वारा मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने के खिलाफ भुजबल के गुस्से के पीछे देवेंद्र फडनवीस का हाथ है दोनों मिले हुए हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन अभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे या इस्तीफा दे देंगे लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे